भाग रही है? हाँ, बहुत कहाँ भाग रही थी? हाँ, कौन भाग रही है? जो इंसान आज और गुजरे हुए कल में भेद नहीं कर पाता, अपनी आज की परिस्थितियों के अनुसार चलने की बजाय भावनाओं में बहकर गलत रास्ते को आसान समझकर चुन लेता है, और यही वो सबसे बड़ी गलती करता है और भागीदार बनता है उस गुनाह का जिसके जरिए उसने अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना की होती है। ये कमजोर लोगों की निशानी है जो हालात का सामना करने की बजाय उससे भागते हैं, उसके सामने घुटने टेक देते हैं, और ऐसा करके वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। इंसान के ऐसे ही भाव की कहानी है हमारा आज का ये एपिसोड, जहां पुणे के सिंगल रोड पर हुई ये वारदात पुलिस के लिए भी चुनौती बनने वाली थी। क्यों हो गया पुत्र तनु? उन्होंने मुझे फिर से मारा। आपके पति ने मारपीट की आपसे? एग्जैक्टली बताइए क्या हुआ था। सर, हम दोनों दो दिन के लिए सियागढ़ वाले फार्म हाउस पे गए थे। शाम को ऐसे ही घूम रहे थे। घूमने के बाद हम ढाबे पे चले गए। गौरव ये बात जानते थे कि मुझे उनका दिन में ड्रिंक करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी और ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। मारती है कितनी अकड़ तुझ में चढ़ाना तुझे तेरे माँ बाप ने? तेरी सारी अकड़ निकाल देनी मैंने। चल अंदर, तू सारी अकड़ ठिकाने लगा देनी मैंने। तू चल अंदर, बहुत गर्मी चढ़ी गई तेरे को। शिखा, शिखा रोक, रोक शिखा। आपके शादी को कितना टाइम हुआ? 4 महीने हो गए। क्या इसके पहले भी आपको उसने ऐसे मारा था? जी। तो उस वक्त आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? जी,
तब हमने सोचा कि दोनों की नई नई शादी हुई है, बाद में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाना है जी। आज उसने मेरी बच्ची को इतनी बुरी तरह मारा कि कोई जानवर को भी नहीं मारता है, इसीलिए हमें आपके पास आना पड़ा जी। आप लोगों की यही सोच और डोमेस्टिक वायलेंस को छुपाने की वजह से अपराध को बढ़ावा मिलता है। इनका मेडिकल करवाना पड़ेगा केस रजिस्टर करने के लिए। आइए सर, आप बताओ। कबूतर तू तेरे क्यों क्या गौरव का है? वो तो आप बताएंगे गौरव का है। लेकिन सर गौरव तो इसके साथ, मैं अभी फोन करके पता करता हूं। हमने पता कर लिया है, कल रात से उसका फोन स्विच ऑफ है। हाँ जी, मैं भी कब से फोन लगा रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। क्यों आया गौरव टू, कहाँ है मेरा बेटा और क्या किया तूने उसके साथ में? और तेरे साथ ही गया था ना वो, और इन्हों की पूछ दे तुसी। ये तो जैसे तैसे अपनी जान बचा के आई है वहां से, देखो ना क्या शक्ल बना दी है मेरी बच्ची की। आप तो रहने दो भाई साहब जी, अरे आपकी बेटी कितनी शरीफ है ये हमें पता है। बंदा होता है पहले बात घर में करता है, ना सुलझे तो बाहर करते है, और आपकी बेटी पहले मोहल्ले को बात बताती है बाद में घर पे बात पता चलती है। कोई हाथ दी हो गई छुपेटो तुम लोग। हाँ, उसके आजू बाजू वाले किसी का नंबर है फोन लगाओ उसे। हाँ जी, वहाँ पर एक केयर टेकर है पर वो मर जाने भी फोन नहीं उठा रही है। सबके फोन एक साथ ऑफ हो गए या करवाए तुम लोगों ने? हमें गौरव की एक तस्वीर चाहिए जी। गुंजल बेटा जी, बेटा गौरव की एक फोटो ला दो। कौन है ये? सर ये हमारी बड़ी बहू है, हमारा बड़ा बेटा एक्सीडेंट में गुजर गया लेकिन इसको हमने अपने साथ रखा हुआ है, अपनी बेटी मानते हैं। मतलब किसी से इसकी बात नहीं हुई। आपसे बात हुई इसकी? जी आज तो कोई बात नहीं हुई, ऐसे गौरव रोज हमेशा फोन करते हैं, मैंने तो बहुत डर लग रहा है ऐसे बिना बताए गौरव कहाँ चले गए, कहीं कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मालक तुम्हें? गौरव कहाँ है? गौरव बाबा तो कल शाम को ही बाहर चले गए शिखा मैम के साथ, जाने के टाइम मुझे बोल के गए चिकन बना के रखो हम लोग वापस आते हैं, मैंने चिकन बना के रखा था
और वो दोनों वापस ही नहीं आए। उनके जाने से पहले कोई मिलने आया था? नहीं। उनके आने के बाद किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ? नहीं नहीं साहब, हमारे गौरव बाबा तो बहुत अच्छे हैं, है ना साहब। उनके साथ जो भी रहता है हर कोई खुशी रहता है। शिखा मैम भी बहुत खुश है। तुम्हें कैसे पता? अरे क्या साहब, चेहरा देख के ही पता चलता है ना इंसान खुश है या नहीं है। सर, गौरव के बारे में हमने उसके सारे रिश्तेदार सारे दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास भी गौरव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले उससे मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था पता क्या? शाम को 6 बजे के आसपास उसका फोन सिंहगढ़ रोड वाले शेतकरी ढाबे के आसपास बंद हुआ है। पटेल, इसका मतलब है हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये कि शिखा से झगड़ा होने के बाद गौरव ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और कहीं चला गया, और दूसरा उसका किडनैप हुआ। पटेल, एक काम करो, शेतकरी ढाबे के आसपास जाकर पूछताछ करो, हो सकता है वहां किसी ने उसे देखा हो। और आप गौरव के साथ साथ शिखा के भी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। हमें गौरव के पड़ोसी से भी बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन हमें उनकी फैमिली से नहीं मिली वो पड़ोसी से मिल जाए। मेरा बेटा पढ़ने के लिए कनाडा चला गया, वहाँ उसकी नौकरी भी लग गई। 30,000 तो सिर्फ हमें भेजता था, तो आप सोच कर देखिए कितनी तनख्वाह होगी उसकी। श्रवण है मेरा पुत्र, माँ बाप के कहने पर सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चला आया। अभी तो 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, उसके किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? बहुत ही लायक बच्चा है जी गौरव, भगवान ऐसी औलाद सबको दे दे। सर, बहुत ही जोरी नेचर का है मेरा गौरव, पर पता नहीं उसे पिछले 1 महीने से क्या हो गया, वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हाँ सर, अचानक से उनका नेचर चेंज हो गया था, शायद जॉब की टेंशन में थे वो, क्योंकि मैंने जब भी उनसे पूछा उन्होंने मुझे यही बताया। क्या उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा, कोई अनबन, या उसने किसी के पास से कोई कर्जा उठाया था जिस बात की वजह से उसे धमकाया जा रहा हो? नहीं सर, ऐसी कोई भी बात उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की। जो बात अपनी बीवी को भी नहीं बता पाते वो भी मुझसे शेयर करते हैं, कभी आज तक कुछ नहीं छुपाया उन्होंने। झगड़े की बात या किसी से दुश्मनी, इस बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया उन्होंने। सर, बेदी परिवार की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था, गौरव जैसा होना बेटा और फिर शिखा जैसी साक्षात लक्ष्मी का आना। सर, पूरे 25 लाख दे थे शिखा के अपने शादी में। आपने, आपके पिता ने कभी बताया क्यों नहीं कि शादी के लिए 25 लाख का दहेज दिया था, और इतना दहेज देने के बाद भी आप लोगों के बीच में इतना झगड़ा होता था कि उसने आप पे हाथ उठाया? कहीं कोई और बात तो नहीं कि वो आपसे कुछ और चाहता था? नहीं सर, झगड़ा तो हमारा इस बात से होता था क्योंकि मेरी और उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। सर, हमने गौरव की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दी है। गौरव के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? नहीं सर, रिश्तेदार दोस्तों के अलावा 1-2-3 कॉल कनाडा से है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन सर, गौरव का मोबाइल स्विच ऑफ होने के पहले आखिरी कॉल उसने अपने भाभी गुंजन को किया था, जो 15 सेकंड तक चला। आज तो कोई बात नहीं हुई, ऐसे गौरव रोज हमेशा फोन करते हैं। पटेल, कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव और उसकी भाभी के बीच में कोई गैर रिश्ता है और शायद इसी वजह से सब कुछ हुआ? मतलब गौरव गुंजन को पसंद करता है और उसके माँ बाप ने 25 लाख के लालच में आकर गौरव की शादी शिखा से करवा दी। गौरव को ये बात पसंद नहीं थी, उसे रास्ते से हटाना चाहता था और इसी वजह से शायद उसने उस पर वार किया, लेकिन वो बच के निकल गई और गौरव जानता था कि हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए वो कहीं छुप गया है। सर, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि शिखा को गौरव और गुंजन के इस रिश्ते के बारे में पता चल गया हो और इसीलिए बदला लेने के लिए उसने अपने आप के ऊपर वार करके ये सब कहानी बनाई हो। पटेल, जिस तरह की चोट उसके चेहरे पर है, लगता नहीं है कि कोई खुद इतनी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी इस एंगल को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर तो हमें गुंजन के साथ पूछताछ करनी चाहिए। पटेल, उसको कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि उस वक्त वो घर पर थी। शिखा के कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी मिला जो हमारी थ्योरी को सपोर्ट करे? नहीं सर, गौरव के बारे में एक नहीं बल्कि कई तरह की राय सामने आई थी। उसके फार्म हाउस की केयर टेकर और उसके पड़ोसी उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन शिखा के जख्मों को देखकर ये केस कुछ और ही लग रहा था। आखिर सच क्या था? क्या गौरव के 2 रूप थे,
या फिर शिखा उससे किसी बात का बदला लेना चाहती थी। सिंहगढ़ रोड जवळ एका एरिया मध्ये एक डेड बॉडी सापडले, लवकर पोहोचा। बॉडी 11 टुकड़ों में मिली है और बॉडी के साथ कटा हुआ सर भी मिला है, जिससे साफ पता चल रहा है कि यह बॉडी गौरव की है। और बोरी में बॉडी के साथ वो मर्डर वेपन भी मिला है। मर्डर वेपन को फॉरेंसिक लैब भेज दो फिंगरप्रिंट्स के लिए। आसपास के एरिया ठीक से छानो सर। देखो कुछ और मिलता है क्या? सबसे पहले किसने देखा था बॉडी? साहब मैंने देखी थी लाश। साहब मैं यहीं पास ही के एक झोपड़पट्टी में रहता हूँ और मेरा रोज का यहाँ से आना जाना रहता है, लेकिन आज जब मैं यहाँ से जा रहा था तो देखा कि एक कुत्ता इसी गोनी के साथ खेल रहा था। आधी गोनी फाड़ चुका था वो, उसी में मेरे को एक कटा हुआ पैर दिखा साहब। मेरे को लगा बहुत बड़ा लफड़ा है साहब, इसलिए मैंने आप लोग को फोन किया। घरेलू हिंसा की शिकायत के साथ साथ अब ये केस गौरव के मर्डर का भी था। पुलिस का इस केस को देखने का नजरिया अब पूरी तरह से बदल चुका था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, गौरव की फैमिली को खबर कर दो। सर ये वहाँ झाड़ी में मोटरसाइकिल की चाबी मिली। पटेल पता करना पड़ेगा किसका है। यस सर। क्या आपको अभी लगता है कि गौरव की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी? सर जितना मुझे पता है उस हिसाब से तो कोई दुश्मनी नहीं है। ये चाबी किसकी है जानते हैं आप? नहीं सर। यदि साहब गौर से देखिए शायद आप इसे पहचानते हो, क्योंकि गौरव की डेड बॉडी के पास ही मिली है। नहीं सर। दुनिया में रहा नहीं। लो इस बात का मुंह मीठा करो। गौरव की फैमिली में किसी ने भी चाबी को नहीं पहचाना। इसका मतलब हो सकता है कि ये रैंडमली ऐसी किसी व्यक्ति की चाबी हो या फिर उस आदमी की जो इस केस से जुड़ा है। सर हमने वो चाबी वेरिफिकेशन के लिए कंपनी में भेज दी है, जिससे हमें उस चाबी के ओनर के डिटेल्स मिल जाएंगे। सर ये गौरव बेदी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गौरव की मौत कल दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में हुई है और मौत से पहले उसे कई बार टॉर्चर भी किया गया है। सर पर और चेहरे पर एक नहीं कई निशान है। इसका मतलब है कि 10 तारीख को 6 बजे के आसपास उसकी किडनैपिंग हुई सिंहगढ़ रोड से, जिंदा रखा दूसरे दिन तक फिर मारा। लेकिन किडनैपर को अगर मारना ही था तो इतने दिन तक जिंदा क्यों रखा? सर हो सकता है कि किडनैपर की कुछ डिमांड हो जिसे पूरी करने के लिए गौरव ने ना कर दी हो और इसीलिए उसने गौरव को मार दिया। बात चाहे कुछ भी हो पाटिल, एक बात तो पक्की है कि किडनैपिंग और मर्डर सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सर कंपनी से चाबी की डिटेल्स आ गई है। वो बाइक किसी नंदू कदम के नाम पर रजिस्टर है, जिसका एड्रेस गौरव के फार्म हाउस के आसपास का है। नंदू कदम तू ही है ना? हो मिलते हैं। का तेरे एक बाइक है ना? हाँ है। तो उसकी चाबी कहाँ है? चाबी चाबी कहीं पे भी हो तुमसे मतलब? पुलिस ज्यादा गर्मी मत दिखा वरना तेरी सारी गर्मी उतार दूंगा। तेरे बाइक की चाबी हमें एक लाश के पास मिली है, समझा? चल बता कहाँ है तेरी बाइक? साहब मेरी बाइक एक हफ्ते से मेरे दोस्त शंकर के पास है। शंकर चल पुलिस स्टेशन चल, और डर मत तेरे दोस्त शंकर को भी हम लेके आते। चल ये
मैं अपना सामान लेने आई हूँ। मेरा आप लोग से रिश्ता सिर्फ गौरव की वजह से था, अब जब गौरव ही नहीं है तो मैं किधर जा रही हूँ? हाँ, मुझे सामान सामान लेने आई है। पता है मैंने कुंजी वो नहीं मारा है गौरव को, मैं कुत्ता छोड़ नहीं जाती थी कि वो तेरे रास्ते से हट जाए। मैं तेरे पता नहीं मार दूँगी। मैं कैची लो पहले इससे कुंजी, कैची लो आप कैची लगी नहीं मैंने कि वो तेरे रास्ते छोड़ नहीं जी मेरे साथ जाओ। आप लोगों ने तो बताया कि गुंजन गौरव की भाभी है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अगर आप लोग सच नहीं भी बताएंगे ना तो भी हम पता कर लेंगे, लेकिन तब तरीका आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सर, मेरे बड़े बेटे के मरने के बाद गौरव की गुंजन से शादी की बात चल रही थी। सभी रिश्तेदारों का ये कहना था कि गौरव गुंजन को चादर चढ़ा दे, और चादर डालने की रस्म होने ही वाली थी। शिक्षा का रिश्ता आ गया और ये बात आई गई हो गई, होना वही था जो वाहेगुरु को मंजूर था। कुंजन तो ये मान बैठी थी कि गौरव से ही उसकी शादी होगी, और गौरव की शादी के बाद भी उसका मन नहीं बदला। हम कुंजन को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे और ये हादसा हो गया। शंकर कहाँ है? बुला उसे। जी सर। शंकर? हाँ। चल पुलिस स्टेशन। अरे पट। क्या हुआ? पट शंकर? अरे काय जरूर को? अरे पट मैंने क्या किया? नहीं मैंने। चल भाई। अरे आप बोलो। साहब साहब। क्यों मारा गौरव को? बोल बोल। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मेरे पास नंदू की बाइक थी लेकिन लेकिन उसकी चाबी नहीं थी साहब। बाइक थी लेकिन चाबी नहीं थी मतलब? साहब जब 10 तारीख को मेरा और गौरव मलिक का लफड़ा हुआ तब। शंकर साहब चल मेरे साथ। साहब क्या हुआ? क्या हुआ दिखाता हूँ तुझे तेरी करतूत। चल। पर साहब मैंने किया क्या? मुझे तो आज मैं बता के रहूंगा साहब। पर मैंने क्या क्या तेरे का बोलो तो। ये देख ये किया तूने। तुम लोगों को अपना समझ के यहाँ रखा और तूने शराब और जुए का अड्डा बना दिया। करना क्या चाहता था? लड़कियां लानी थी यहाँ पे। देख शंकर अगर आइंदा यहाँ अपनी शक्ल दिखाई ना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। दिखा खड़ा तुझे। दिखा तोड़ के दिखाता हूँ तुझे अभी मैं। सब सब ये ऐसा ही है सब। ये ऐसा ही सब छोड़ दो साहब। जैसा भी है सब जाने आप कितने कर चुकाने लगा दूंगा मैं। ये जो गंदगी मचाई है ना तूने इसका हर जाना लगेगा। 50,000 50,000 देना और फिर बात करना मुझसे। 50,000? अरे तेरे को तो 50 पैसे भी दे दूं मैं। नहीं देगा। क्या करना है कर ले। अच्छा कौन? मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं देता मेरे पैसे। चाबी छोड़। चाबी ना मेरे पास रहेगी। 50,000 लेके आना और अपनी बाइक लेके जाना। चल चाबी दे। चल शंकर जाने दे ना वो वैसे भी खिसके लाए। साहब उसके बाद तो मेरे को गौरव दिखा भी नहीं। कल ही मेरे को पता चला कि उसका खून हो गया। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन शाम को तू कहाँ था? साहब मैं मेरे दोस्त के ढाबे पे खेड़ शिवापुर में था साहब। दो दिन मैं उधर ही था। ये गौरव ने मेरा बहुत दिमाग खाया था इसलिए मैं दो दिन दारू पी के उधर ही थूक पड़ा था साहब। मतलब गौरव ने तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगाए थे वो सब सच थे? झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है साहब। उल्टा वही मेरे बहन पे गंदी नजर डालता था साहब। थोड़ा सब सब क्या करो सब। अरे रोहिणी काय झालं? अरे काय झालं? गौरव सामने साहब मैंने उसकी मर्जी कभी चलने दे दी इसीलिए वो मेरे पे खुन्नस खाता था साहब। सर हमने शंकर के बयान को क्रॉस चेक किया तो यही पता चला कि वो सच बोल रहे हैं। जिस दिन गौरव का मर्डर हुआ उस दिन वो ढाबे पर ही था। हमने ढाबे के मैनेजर और वेटर से पूछताछ की तो उन्होंने भी यही बताया कि वो ढाबे पर ही था और उसके मोबाइल का लोकेशन भी ढाबे का ही दिखाई दे रहा है। जो उसने गौरव के बारे में बताया था वो पता क्या कितनी सच्चाई है उसमें? सर उनकी माँ शेवंता का सच इन दोनों भाई बहन से बिल्कुल उल्टा है।
एक बार नशे में सांप से गलती हुई थी, पर दूसरे ही दिन वो आके मेरे से और रोशनी से हाथ जोड़ के माफी मांगे थे। बहुत पछता रहे थे वो सांप। सर मुझे ये गौरव समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई उसे गाली दे रहा है तो कोई उसे भगवान मानकर सर पर बिठा रहा है, एक ही घर के लोग उसके बारे में दो अलग बयान दे रहे हैं। शंकर को वार्निंग देके छोड़ दो कि शहर से बाहर नहीं जाए, और हमें गौरव की फैमिली पे फिर से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हो सकता है इन्हीं में से कोई हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए दे। सिंदूर में तुम्हारे नाम का लगाना चाहती थी। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब इस सिंदूर पर किसी और का हक है। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से कौवा मोती खा रहा है और तुम टुकड़े टुकड़े हो गए। जेलसी? वो भी उस शिखा से? वो तो उसके बाप ने 25 लाख रुपए का दहेज दिया था, इसीलिए वो इस घर में घुस पाई, वरना उसकी औकात का कि गौरव उसे मिल पाए। मतलब गौरव ने शिखा से शादी सिर्फ पैसों की वजह से की? सर गौरव तो किसी की चवन्नी का भी लालची नहीं था। ये बुढ़े बुढ़िया है ना, पैसे देखकर इनकी लार टपकने लगी, मर दिया शिखा को उसके मत्थे। बेचारा गौरव, एक पति होने के नाते गौरव जो डिजर्व करता था वो तो उसे आज तक कभी मिला ही नहीं। दूर रहिए मुझे, आपको समझ में नहीं आता है? मैंने आपसे कहा है ना, मुझे हाथ मत लगाइए। लेकिन शिखा, मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ तो देखिए, मैं आपको वापस बोल रही हूँ, मुझे हाथ मत लगाइए। सर कौन नई नई शादी में अपने पति को ऐसे धक्के देकर दूर करता है अपने आप से, आप ही बताएं। और एक दिन तो मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं भी रेडी नहीं हूँ। 2 महीने से यही सुन रहा हूँ शिखा, और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है, तुम मुझे सिर्फ झेल रही हो? देखो अगर ऐसा है तो बोल दो मुझे, मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। बताओ सर, ये तो हाल थे उसके। मुझे तो लगता है कि इसका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, वरना आप ही बताइए कौन इतना दहेज देता है? जब खुद का सिक्का खोटा होता है ना, तभी हम ये हरकत करते हैं। मेरे को तो लगता है सर कि इन सब में ना इसका अकेले हाथ नहीं है, वो बंदा भी इसके साथ ही होना है। मतलब गौरव शरीफ आदमी था, क्योंकि अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसने एक बार भी उसे हाथ नहीं लगाया। सर से अगर शिखा के ढाबा वाली बात को देखें तो उसका मतलब तो कुछ और ही निकलता है। सर लेकिन शिखा ऐसे करेगी क्यों कि किसी के साथ शादी भी करे और उसे दूरी भी बना के रखे? उसका पता तो मैं उसके पास से ही चलेगा। एक काम करो, उसके मायके, दोस्तों और उसके कॉलेज में भी इंक्वायरी करो, हो सकता वहां से हमें कोई लीड मिले। सर ये सुहास जाधव है, शिखा का कॉलेज फ्रेंड, सेकेंड ईयर से इन दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन अभी कुछ 4 महीने पहले ही शिखा ने इसे धोखा दिया और घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। शिखा के कॉल रिकॉर्ड्स में इसके नंबर का कोई रिकॉर्ड है? नहीं सर। तुम्हारे और शिखा के बीच में अफेयर चल रहा था ना? जी हाँ सर। तो तुम्हें धोखा देकर उसने गौरव से शादी क्यों की? सर ये उसका डिसीजन है, मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ? मैं बताता हूँ, शिखा ने तुम्हें डिच किया और गौरव से शादी कर ली। ये बात तुम्हें हजम नहीं हुई और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने गौरव का खून कर दिया। सर शिखा की शादी के बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं था, और उसकी शादी के बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं सिलवासा चला गया और वहां पे एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ।
और जो डेट आप लोग बता रहे हैं उस डेट पर तो मैं अपने ऑफिस में था। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं सर। अगर तू सिलवासा में काम करता है तो फिर यहाँ पुणे में क्या कर रहा है? सर पुणे मेरा घर है और मैं हर वीकेंड पे यहाँ पे आता हूँ। ओके थैंक यू सर। सुहास सच बोल रहा है, हमने वहाँ के लोकल पुलिस को उसके ऑफिस में इंक्वायरी करने के लिए भेजा था तो उन्होंने इंक्वायरी की, तब पता चला कि सुहास कत्ल के दिन वहीं पर था। ऑफिस के रजिस्टर से और वहाँ के केयरटेकर से यही इन्फॉर्मेशन मिली। सर सुहास की जॉब सुबह 10 से 6 बजे तक की होती है और सैटरडे संडे उसे छुट्टी होती है। पुणे और सिलवासा में कम से कम 6 घंटे का डिस्टेंस है। तुम जा सकते हो। पाटिल नजर रखो इस पे, क्योंकि बात उतनी साफ है नहीं जितनी दिख रही है। इसके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, तब तक शिखा से बात करके देखना पड़ेगा कि उसका रिएक्शन क्या है। हाँ जी हाँ जी, तो बड़ी घबराहट हो रही है जी। तो तू रो नहीं, बैठ जा, हा? सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, कुछ पता चले तो बताना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ? साड़ी शिखा, शिखा का सवेरे से कुछ पता नहीं कहाँ है। सब रिश्तेदारों से, उसकी सहेलियों से, सबसे पता किया, कहीं नहीं मिली। मैं आपके पास ही आने वाला था रिपोर्ट लिखवाने। शिखा का अचानक गायब हो जाना पुलिस के लिए चौंका देने वाला था, लेकिन तहकीकात में यह भी पता चला कि सिर्फ शिखा ही नहीं सुहास भी गायब था। सवाल यह भी था कि क्या ये दोनों अपनी मर्जी से गायब हुए थे या फिर ये किसी वारदात का शिकार हुए थे। पुलिस को ऐसा भी लग रहा था कि शिखा की पुलिस कंप्लेंट गौरव की किडनैपिंग और मर्डर और अब शिखा का गायब होना क्या एक ही साजिश के अलग अलग हिस्से थे। गौरव के कत्ल का केस अभी सुलझा नहीं था और अभी एक नया मसला खड़ा हो गया था, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे चलकर ऐसी कई चौंका देने वाली घटनाएं पुलिस के सामने आने वाली थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब कुछ शिखा ने किया है। डर के भाग गई अब यहाँ से। इस कुड़ी ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। शिखा ने आप लोगों का घर बर्बाद नहीं किया, बल्कि दहेज की लालच ने बर्बाद किया। हेलो सर, अभी अभी शिखा और सुहास टैक्सी से यहाँ पहुँच गए हैं। क्या? और लगता है सर उन दोनों ने शादी कर ली है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर एक लड़की का पति गुजर जाता है तो दूसरी शादी करना गुनाह है क्या? किसने कहा गुनाह है? और सर इंक्वायरी, गौरव की मौत जिन हालात और जिस तरीके से हुई है और शिखा और उसके जो संबंध थे उतनी वजह काफी है सवाल पूछने के लिए। शिखा अब तुम हमें बताओगी कि शादी करने का फैसला तुमने गौरव के मौत से पहले किया था या बाद में? सर ये कैसा सवाल है आपका? ऑफ कोर्स बाद में ही लिया है। झूठ बोल रही हैं आप। हमें पता है कि आपकी शादी जबरदस्ती गौरव से की गई थी। गौरव को कभी आपने पति माना ही नहीं, उसे अपने पास आने ही नहीं दिया। हमेशा सुहास को चाहती रही और उसी से शादी करना चाहती थी और इसीलिए सारी प्लानिंग की आप लोगों ने। सर आप बेवजह शिखा पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप लोगों के पास कोई सबूत है क्या? सबूत होता तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा होता, तुम सच बोल रहे होते। सर ये भी तो हो सकता है जो इल्जाम आप हम पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो गुनाह किसी और ने किया, और ये गौरव भी मुझे कोई दूध का धुला हुआ नहीं लगता सर। नहीं तो अच्छी खासी कनाडा की नौकरी छोड़कर कोई यहाँ क्यों आता? हाँ जी सर, गौरव ने मुझे बताया था कि उसको सिटीजनशिप मिलने वाली थी और वो वापस आ गया। सर गौरव ने जरूर वहाँ पे कुछ किया होगा, फिर आप खुद ही सोचिए बंदा ऐवे वापस क्यों आएगा। सर गौरव की रिपोर्ट। सर वो कनाडा में किसी केतकी के साथ संपर्क में था और शायद काफी करीब भी। कुछ दिनों के बाद केतकी का कजिन भी उन्हें ज्वाइन हुआ, लेकिन सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि केतकी कनाडा में अब कहाँ रह रही है? पटेल अगर ये केतकी वहाँ स्टूडेंट या वर्किंग वीजा पे गई है तो कैनेडियन एम्बेसी से उसका पता मिल जाएगा। पता करो वो इंडिया आ चुकी है या वहीं है। ओके सर। जी सर, किससे मिला आपको? केतकी सिंह से। प्रदीप बुलाइए उन्हें। ये तुम्हारा टिकट है।
हाँ सर, मैं और गौरव साथ थे, लेकिन उसे अपने माँ बाप के आगे कुछ दिखता ही नहीं था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और सर, इंडिया आते ही मैंने प्रदीप से शादी कर ली और आज मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं। मतलब कनाडा से वापस आने के बाद आप गौरव से एक बार भी नहीं मिली? नहीं सर, क्यों मिलूं मैं उससे? इंडिया क्यों वापस आई? सर, मैं वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे थी, पढ़ाई और वीज़ा दोनों ख़त्म हो गए, इसलिए मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। पाटिल, केतकी और प्रदीप दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, और उसका कज़न जो कनाडा में साथ में आया था उसके डिटेल्स भी निकालो। ओके सर। इतनी टेंशन मत लो, हमारा प्लान फूल प्रूफ था, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन केतकी, एक प्रॉब्लम हो गई है सर। केतकी और प्रदीप के कॉल डिटेल्स में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जब हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके चेक किया तब हमें पता चला कि केतकी और प्रदीप ने 12 अक्टूबर को शादी की है। 12 अक्टूबर? और केतकी ने तो कहा था कि इंडिया आते ही उसने शादी कर ली थी, और वो इंडिया जून में आई थी। फिर केतकी ने शादी के बारे में हमसे झूठ क्यों बोला? वो शादी भी की गौरव के मरने के ठीक 2 दिन के बाद। सर, ये प्रदीप और केतकी के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड। सर, इन रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 1 महीने में कई बार गौरव के घर के आसपास प्रदीप का मोबाइल लोकेशन पाया गया है, और जिस दिन गौरव गायब हुआ उस दिन भी प्रदीप के मोबाइल का लोकेशन फार्म हाउस के आसपास का ही था। काफी बुरी तरह से कुचला गया है। केतकी को फोन करके पता करो कहाँ है वो। ओके सर। फिर आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। कावड़े, देख क्या है। इससे मारा है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ। केतकी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पटेल, कैनेडियन एम्बेसी को फोन करो और इंक्वायरी करो कि केतकी का वीजा वैलिड था या नहीं। केतकी की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन और एयरपोर्ट में भेज के सबको अलर्ट कर दो, क्योंकि अगर उसने ये खून किया है और उसका वीजा वैलिड है तो पूरे चांसेस इंडिया से बाहर भागने के उसके। ओके सर। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से केतकी के लिए पूरे महाराष्ट्र स्टेट में जाल बिछा दिया था, और आखिरकार उनका शक सही निकला। मुंबई पुलिस ने केतकी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और उसके देश छोड़कर भाग जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन इस केस में चौंका देने वाले खुलासे अभी खत्म नहीं हुए थे। इसके बाद जो पुलिस को पता चला उसने इस केस को एक बार फिर से घुमा दिया था। सर, कनाडा में गौरव और केतकी के साथ जो तीसरा आदमी रहने के लिए आया था वो दरअसल केतकी का भाई नहीं, प्रदीप था। इसका मतलब है ये कत्ल उसने सोच समझ कर किया है। सर, मैं और गौरव एक दूसरे से प्यार करते थे, बिना शादी के हम साथ रह रहे थे सर। और प्रदीप तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई बहन के रह रहा था। उसे मैंने वहाँ तब बुलाया था जब मुझे गौरव पे शक हुआ कि वो मुझे छोड़ना चाहता है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो अपने माँ बाप की बात आँख कान बंद करके सुनता था। उन्हीं के कहने पर उसने शिखा से शादी कर ली। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे मार दूँगी। उसके लिए मैंने प्रदीप को यूज़ किया। प्रदीप मुझसे बहुत प्यार करता था। मैंने उसे कहा कि अगर वो गौरव को मार देगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। तुम्हें तो बदला गौरव से लेना था ना, तो फिर प्रदीप को क्यों मारा? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? गौरव को मैंने नहीं मारा है।
मैं तो उसे मारने के लिए मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे से पहले कोई और उसको मारकर चला गया। केतकी, मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई और उसको मारकर चला गया। और वैसे भी तो तुम यही चाहती थी ना कि वो मर जाए, अब चाहे उसे मैं मारूं या फिर कोई और। केतकी, मेरी बात तो गौरव के साथ साथ प्रदीप ने भी मुझे धोखा दिया, झूठ बोला मुझसे। प्रदीप ने झूठ बोल के मुझसे शादी भी कर ली। तो ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्से से मैं पागल हो रही थी, और उसी गुस्से में मेरी वजह से मेरा गौरव से बदला अधूरा रह गया। क्यों नहीं मारा उसे? अगर प्रदीप ने भी गौरव को नहीं मारा तो फिर किससे मारा? क्योंकि गौरव की फैमिली में भी किसी के पास मोटिव नहीं है उसे मारने का। पाटिल, एक काम करो, सारे कॉल रिकॉर्ड से एक बार बारीकी से चेक करो, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उससे छुटी है। पार्लर की ओनर आप हैं? यस सर। जी सर, शिखा बेदी हमारी ही क्लाइंट है, और ये फ़ोन हमारे यहाँ उनके लिए आता था। सर, शादीशुदा औरत के लिए ऐसा फ़ोन आना हमें भी अजीब सा लगता था। सब सुहास सब काम पर नहीं आए थे सर, मैंने झूठ बोला था साहब आपसे, ये झूठ बोलने के लिए सुहास साहब ने 20,000 रुपये दिए थे साहब। गौरव को मारने का प्लान मेरा और शिखा का था। वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसकी शादी करवा दी। और प्लान के अकॉर्डिंग शिखा ने उसको अपने आप को कभी भी हाथ नहीं लगाने दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। और फैमिली को ये बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने उन दोनों को साथ में टाइम बिताने के लिए फार्म हाउस भेज दी। जैसे शिखा वहां से गई, क्या मैंने उसके सर पर मारा, उसकी बॉडी को टेम्पो में डालकर एक जगह ले जाकर के रख दिया, और फिर अगले दिन मैंने उसे मारा और उसके टुकड़े कर दिए, और फिर उसके टुकड़े बोरे में भरकर सियागढ़ रोड की झाड़ी में फेंक दी, और शंकर की बाइक की चाबी भी मैंने वहां पर फेंक दी, ताकि आप लोगों को उसकी बॉडी मिले तो शक सीधा शंकर पर जाए। इतनी प्लानिंग करने और एक मासूम की जिंदगी लेने से बेहतर था ना कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाता और शिखा के माँ बाप से बात करता, उन्हें मनाता। लेकिन तुम जैसे कायरों का और अपराध के रास्ते को आसान समझने वालों का यही असर होना चाहिए। कहते हैं कि प्यार इंसान को ताकतवर, समझदार और संवेदनशील बना देता है, तो फिर शिखा और सुहास के प्यार ने उन्हें कायर और वैशी क्यों बना दिया कि उन्होंने गौरव जैसे नेक इंसान की जान ले ली? दरअसल ये प्यार नहीं, पागलपन था, क्योंकि प्यार में समर्पण होता है, परवाह होती है, सम्मान होता है, जो यहाँ नदारत था। सुहास को गौरव के कत्ल के लिए, शिखा को गौरव की मौत की साजिश रचने के लिए, और केतकी को प्रदीप के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। तीनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। प्यार करना जुर्म नहीं है, लेकिन हालात के आगे घुटने टेक देना, प्यार को जिद और पागलपन की हद तक ले जाना, सही समय पर सही हिम्मत और फैसले से चूक जाना, ये इंसान को अपराधी जरूर बना सकता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.